Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, my dear brothers and sisters. Very brief message, and that is that as a Muslim, I was with my teacher over the weekend, this weekend gone, and there was a question from one of the students, which I want to share with you. And that question was, as a Muslim, and an ordinary, simple Muslim, like myself, unlearned, then the question is, Islam, we learn so many things, like the Quran, the Hadith, the teaching from the Awliya Allah, all of these things, and for ordinary people, sometimes it gets too much to remember and understand. So the question was, for an ordinary person, how do we apply Islam? And the teacher said that if you can remember the following three things as a Muslim, your iman, inshallah, will be complete. Yeah? Remember three things and inshallah, you will be successful. You will pass the test you're on. So as briefly, I just want to touch on those three things. Let me just explain that in Urdu. तो इस वीकेंड पर मैं अपने उस्ताद के पास था हजरत अहमद दबाल बोल्टन में यूके में तो उधर एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा कि हजरत क्यों ना इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद नहीं रहती तो किस तरह हम इस्लाम को जो है ना इस्लाम के ऊपर सही तरीके से चलें और ये चीजें इतनी हैं याद नहीं रहती हैं कुरान है हदीस है और आप जो उस्ताद हमें सिखा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको याद रखना तो क्या हम करें किस तरह जो है ना याद रखें ये चीजें तो उस्ताद ने बताया कि ये तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये तीन चीजें अगर आप याद रखें और इनके ऊपर आप अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे तो वो कौन सी तीन चीजें हैं वो ये चीज तीन चीजें हैं कि नंबर एक हर वक्त ये याद रखें कि अल्लाह सुभान व तआला आपको देख रहा है आपको सुन रहा है और आपके साथ है अल्लाह पाक की हजूरी में रहें 24 घंटे फैमिली के साथ हैं काम पर हैं दुकान पर हैं दुकानदारी कर रहे हैं फैक्ट्री के काम कर रहे हैं फैक्ट्री के मालिक हैं तो ये चीज याद रखें कि अल्लाह पाक आपको देख रहा है अल्लाह पाक आपको सुन रहा है और अल्लाह पाक आपके साथ है अल्लाह पाक की हजूरी में रहना तो ये नंबर एक चीज है जब अल्लाह पाक की हजूरी में हम रहेंगे अल्लाह पाक हमें देख रहा है सुन रहा है हमारे साथ है तो कोई चीज हम करेंगे तो हम रुकेंगे और सोचेंगे कि क्या अल्लाह पाक इसमें राजी होगा या नाराज होगा राजी होगा तो आप कर लेना नाराज होगा तो आप रुक लेना और हमें किस तरह पता चलेगा कि अल्लाह पाक राजी होगा या नाराज होगा उसका तरीका बड़ा आसान है कुरान और हदीस हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक वो हमारे लिए सबक है तो पहली चीज यह है कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है मुझे सुन रहा है मेरे साथ है नंबर एक नंबर दो चीज जो है वो ये है कि हर वक्त ये जहन में रहना कि पूरी मखलूक जो है अल्लाह पाक की इंसानों समेत उनको मेरे तरफ से कोई नुकसान ना हो नंबर दो कौन सी चीज है जी कि पूरी मखलूक को मेरी तरफ से कोई नुकसान ना पहुंचे ये दूसरी चीज है और तीसरी चीज क्या है जी कि पूरी मखलूक को मैं किस तरह फायदा पहुंचा सकूं कुफार हो मुसलमान हो सज्जन हो दुश्मन क्यों ना हो किस तरह मैं उसको फायदा पहुंचा सकूं और किस तरह मैं कुछ करूं कि वो जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए ये तीसरी चीज है तो ये तीन चीजें ये हर बंदा समझ सकता है अनपढ़ से अनपढ़ बंदा मेरे जैसा भी ये समझ सकता है इंशाल्लाह और इसको अपना भी सकता है तो ये वादा कर लें कि अल्लाह पाक की हजूरी के अंदर हम रहेंगे कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है मुझे सुन रहा है मेरे साथ है नंबर एक और इसकी जो है ना बड़ी तफसील है मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूं तो देखिए किसी के बारे में अगर आप बातें कर रहे हैं वो सामने नहीं है तो आप जो है ना खुद मखुली बातें करें अगर वो बंदा फोन पर आ जाए और गुफ्तगू फोन पर शुरू हो जाए तो आप थोड़ी सोच विचार करके वो बात करेंगे वैसे ही फजूल बात नहीं करेंगे उसके बाद वो वीडियो दबा देता है तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाता है तो अभी थोड़ा और आप जो है ना अटेंशन हो जाएंगे ठीक है और नंबर तीन थोड़ी देर के बाद दरवाजा खड़कता है और वो बंदा बाहर आ जाता है तो आप और अटेंशन में हो जाएंगे तो अल्लाह सुभान व तआला के बारे में हम क्या कहते हैं वो हमें
सुन रहा है, वो हमें देख रहा है और वो हमारे साथ है। तो जब ये चीज ज़हन में लाएंगे तो इंशाल्लाह जब शैतान आएगा गलत वसवसा डालेगा, अपना नफ्स गलत वसवसा डालेगा, कोई मखलूक गलत रास्ता आपको दिखाएगी तो उसके ऊपर आप फिर रद्द उसको कर देंगे। क्योंकि अल्लाह पाक यार देख रहा है, अल्लाह पाक सुन रहा है, अल्लाह पाक मेरे साथ है, तो ये गलत सोच में किस तरह आगे ले जाऊं, नहीं ले जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर एक। नंबर दो, किसी को नुकसान आपकी तरफ से मेरी तरफ से न पहुंचे। और नंबर तीन, हर वक्त सोचें कि किस तरह फायदा मैं पहुंचा सकता हूं। तो ये तीन चीजें हैं। ओके, माशाल्लाह, दैट वाज वेरी ब्रीफली इन उर्दू। आई वांट टू टच इन इंग्लिश वेरी ब्रीफली। देयर वर थ्री थिंग्स टू अचीव सक्सेस एज अ मुस्लिम। नॉन मुस्लिम, ऑल दे हैव टू डू इज एम्ब्रेस इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकम अ मुस्लिम, all their previous sins forgiven, and they're on the path to success. But what are the three things for us Muslims to achieve success here and in the hereafter? Three things I said. Number one, be always in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. What does that mean? That means always remember Allah subhanahu wa ta'ala is hearing you. Number two, Allah subhanahu wa ta'ala is seeing you. And number three, Allah subhanahu wa ta'ala is with you. So that is being in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. That is number one. Always have that. When you have that, when the shaitan comes, when the negative nafs comes, when anybody from the creation comes to mislead you, you will stop. You will think, Allah subhanahu wa ta'ala is seeing me, he's hearing me, he's with me. So therefore, inshallah, you'll not do wrong. That's number one. Number two, always make sure that the creation is not harmed from your actions. Make sure there is no harm going to the creation from you. That's number two. And number three, always think how you can benefit the creation, whether it is a friend or a foe, whether it's a Muslim or a non-Muslim. All of the time, I should be thinking, you should be thinking, how can I benefit this person in order that they also achieve success here, achieve success in the grave, and achieve success in the hereafter, and save, how we can save ourselves, our family, and all of the creation from the wrath of Allah.